बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके साथ मैं एक ये ड्रिंक शेयर करती हूँ। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, वैसे जोड़ों की दर्दों के लिए, ईच एंड एवरीथिंग, बॉडी हील के लिए ये बहुत अच्छा है। ये पूरा एक लीफ है, एक आदमी एक दिन में पूरा ये एक लीफ कंज्यूम कर सकता है एलोवेरा का। एलोवेरा जिसको कवार भी कहते हैं, कवार गंदल भी कहते हैं एलोवेरा का। इसकी जेल निकालेंगे और आप इसमें कोई सा भी जूस ऐड कर सकते हैं। ऑरेंज जूस ऐड कर लें आप इसमें, वो चकोदरा ग्रेप फ्रूट का ऐड कर लें, जो जो भी आपके पास अवेलेबल, जिसमें आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हल्का सा कड़वा होता है। तो मेरे पास अभी ये ऑरेंज जूस था, तो मैं इसमें इसको करूँगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देती हूँ, लेकिन एक बात ये है कि इसको, ये साइड वाले जो कांटे हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। वो इसको चकोदरे के जूस में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके ये साइड वाले जरूर, इसमें जहर होता है, और इसको आप ज़रूर रिमूव करें। इसको छुरी से करो, वो करो, इतना मतलब हो जाता है इसको आप आसानी से। ये देखें, ये छिलका उतर गया इसका। मैं चम्मच के साथ ही कर लेती हूँ इसको। ये देखें, अब इसका जेल, ये शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, इस तरह पूरे लीफ का आप ये जेल निकाल लें, कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून ये बन जाता है। ये ऑरेंज जूस जितना आप कंज्यूम करना चाहें, आप चाहें तो आधा ग्लास डाल लें, मैं इस वक्त आधा ग्लास डालूंगी, मतलब कि ज़्यादा नहीं। तो ये एलोवेरा और थोड़ी सी कलौंजी। ये थोड़े बहुत इसमें चंक्स इसके रह जाते हैं, और कलौंजी पिसती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रह जाती है। इसके साथ मतलब इंटेक आप कर सकते हैं। ये अब इतना मैंने बनाया क्योंकि इसको थोड़ा सा पीते हुए थोड़ा सा होता है, ये बिटर होता है। ये शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको जॉइंट्स पेन है, और ये वो जितने भी कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, ये उसके लिए बहुत सूटेबल है। बाकी अगर आप चाहे, मैं तो फिर ऐसे करती हूँ, ये पी के थोड़ा सा जो साइड पर रखती हूँ वो ऊपर से एक सिप ले लेती हूँ। आप लोग भी कर लीजिएगा ऐसे, और मैं जिसको अब लेती हूँ, आप लोग भी ट्राई करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।